हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में। यदि आपको यस बैंक के डेबिट कार्ड की ज़रूरत है या यस बैंक के एटीएम कार्ड की ज़रूरत है तो आपको मैं आज बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करते हैं उसी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। इसकी कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है यस बैंक के डेबिट कार्ड को अप्लाई करने की। आप ओनली जो डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है वो ब्रांच से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको फोन पे या अदर यूपीआई एप्लीकेशन में अपना जो अकाउंट यूज़ करना है तो उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करने के लिए आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देख सकते हो। ये यस बैंक के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, जिससे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह की जो फैसिलिटीज़ है वो यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको पता नहीं हो कि हमको यस बैंक का जो डेबिट कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो किस तरीके से देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने की पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आपको किस तरीके से यस बैंक का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो देखना है। इसका यूज़ आप फोन पे, गूगल पे या यूपीआई की कौन सी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमको यस बैंक का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड देखना है, वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी यस बैंक की। ये वाली एप्लीकेशन रहेगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपली ओपन करना है। ये आपके सामने दिखा जा रहा है यस बैंक की एप्लीकेशन, ये देख सकते हो इस एप्लीकेशन को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको इसको सिंपली लॉगिन करना रहेगा। मैंने लॉगिन आईडी एम पिन वगैरह ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों आप इसको लॉगिन कर लीजिए। इसमें लॉगिन की सिंपल प्रोसेस है, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। मैं इसको यहाँ से लॉगिन करता हूँ, मैंने मेरा जो फिंगरप्रिंट है इसको एक्सेस मिली हुई है, ये देख सकते हो यहाँ पे आप। ये मेरा अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। यदि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखना है तो आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कार्ड्स, यहाँ पे सेकंड नंबर पे कार्ड दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में आपको दो टाइप के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दिया है। सबसे पहले आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू डेबिट कार्ड। व्यू डेबिट कार्ड में यदि आपका डेबिट कार्ड होगा तो आपको व्यू डेबिट कार्ड पर क्लिक करके देखना है। यदि अब यहाँ पे मेरा कोई डेबिट कार्ड अभी नहीं है, मेरे को वर्चुअल डेबिट कार्ड देखना है तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वर्चुअल डेबिट कार्ड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे नीचे व्यू वर्चुअल कार्ड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो कार्ड है वो आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कार्ड आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरा कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। पर यहाँ इसको जैसे ओपन करता हूँ आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। ये आपके सामने ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी, क्योंकि मैं आपको ये कार्ड शो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है दोस्तों इस यहाँ से आपको वर्चुअल कार्ड देखना है। इस वर्चुअल कार्ड का आप पिन भी जनरेट कर सकते हैं, कार्ड लिमिट भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों इस तरीके से वर्चुअल डेबिट कार्ड देखते हैं। तो दोस्तों आपको जो यस बैंक का डेबिट कार्ड है, इस वर्चुअल डेबिट कार्ड का आप यूज़ फ़ोन पे, यूपीआई की कौन सी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जहाँ आप इसका यूज़ करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो डेबिट कार्ड है वर्चुअल डेबिट कार्ड देखते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताया, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।